हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तरह तरह के सवाल हमसे पूछे हैं कि भैया सोलर पंप पानी कम देने लगा है, सब्सिडी पे लगवाया था उसका पानी पहले तो ठीक था, अभी कम देने लगा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनका एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि हमने मात्र 1,20,000 में 4 किलोवाट सोलर पावर के साथ 3 HP का पूरा जो मोनोब्लॉक सेट है वो लगा के दिया है, A to Z कंप्लीट। तो दोस्तों बहुत सारे सेट हमने पहले भी लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये समर्सिबल पंप हमने लगाया था, ये थोड़ा रिमोट एरिया में लगाया जहाँ बिजली वगैरह की दिक्कत है, पहाड़ की तलहटी में लगाया, और देख रहे हैं कितना शानदार ये पानी यहाँ पर दे रहा है, कितना मस्त इसमें प्रेशर का पानी दे रहा है। ये मात्र 3 HP का सेटअप हमने लगाया था, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रेशर ये दे रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ, जैसा कि दोस्तों मैंने इसमें बताया था कि ये सेट हमने लगाया है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, और इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ी थी वो 1,20,000 पड़ी थी, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो यह है, मैंने अपनी पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है कि पहले से जो सोलर पैनल के रेट हैं इस समय वो करीब 30 से 40% कम हो गए हैं, यानी पहले जो सोलर पैनल की कीमत थी वो 30 रुपये वाट तक होती थी पर वाट, और आज की डेट में 20 रुपये वाट या उससे कम में आपको ए ग्रेड पैनल अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस सोलर पैनल की कीमत में आ गया है, यानी कि लेकर के आपका 17-18 रुपये पर वाट से लेकर के, और आपका 20-22 रुपये वाट में एकदम ए ग्रेड पैनल, जो हाई क्वालिटी के पैनल हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए जो सोलर पैनल की जो कॉस्ट है आज की डेट में वो पहले के मुकाबले इतनी कम हो गई है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये 1.5 HP का सेट हमने लगाया था, 5 इंची पानी दे रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त, नया चालू किया था ये, क्योंकि इनका भी यही था कि भैया हमारे पास बिजली से हम पहले चलाते थे, इसको हमें सोलर से चलाना है, मोटर ऑलरेडी इन्होंने डाली हुई थी, उसी मोटर को हमने सोलर पावर लगा करके और सोलर के थ्रू चलाया था। आप देख सकते हैं 5 इंची का पाइप है, 4 इंची पूरा ये प्रेशर का पानी इसने निकाला था, ये देख रहे हैं गोले में किस प्रकार से यहाँ पर पानी चल रहा है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे किसान भाई आजकल हमसे कह रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो पंप है पहले पानी काफ़ी ठीक ठाक देता था लेकिन अभी जो है पानी कम देने लगा है। दोस्तों इसके 3-4 रीज़न हैं जो मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी समस्या सॉल्व ना हो तो बेझिझक आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो रीज़न है वो मैं बता देता हूं कि आजकल जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब मौसम में धूप कम रहेगी, पहले के मुकाबले अब 50% भी धूप आपको नहीं मिलेगी, जो धूप गर्मियों में होती थी उसके मुकाबले 50% भी धूप नहीं रहेगी। तो पहला रीज़न तो यही कि लोग सोचते हैं कि भैया जैसा हमारा पंप गर्मी में पानी देता था वैसा ही सर्दी में दे, तो दोस्तों जितनी धूप होगी उतना पानी मिलेगा, अब समझ सकते हैं जब 50% धूप होगी तो पानी भी पहले के मुकाबले वो आधा ही देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पावर कितनी लगाई हुई है, जैसा कि ये सेट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने लगाया था पूरा सेट, इसमें 3 HP की हमने मोनोब्लॉक मोटर लगाई है लूबी कंपनी की, MDS 353 मॉडल, और यहाँ पे जो पावर लगाई है वो हमने लगभग 4 किलोवाट के आसपास पावर यहाँ पे लगाई है, इसमें 580 वाट के हमने यहाँ पे 7 पैनल लगाए हैं, तो देखा जाए तो 4 किलोवाट पावर हो गई। और जो BFD लगाई है वो 3 HP की INBT की 3 फेस लगाई है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि मोटर को जो रिक्वायरमेंट है वो, जैसा कि मैंने बताया कि सोलर से कोई भी मोटर चलाने के लिए 1 HP की मोटर के लिए 1 किलोवाट सोलर चाहिए, तो ये 3 HP है तो इसके लिए 3 किलोवाट सोलर चाहिए होता, लेकिन हमने यहाँ पे 1 किलोवाट पावर एक्स्ट्रा लगाई है, ये हमने कवर करने के लिए इसमें 1 किलोवाट सोलर पावर एक्स्ट्रा लगाई है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं इसमें कि धूप यहाँ पे कितनी कम है, 50% भी धूप यहाँ पे नहीं है, देख रहे हैं आप, उसके बावजूद ही मोटर पूरा प्रेशर दे रही है, पूरे प्रेशर के साथ अपना 3 इंची जो प्रेशर है उसके साथ उसका फ्लो आ रहा है। इसका रीज़न यही है कि जो मोटर को रिक्वायर्ड करंट है, जितनी बिजली की इसे ज़रूरत है वो इसे पूरा पूरा 4 किलोवाट पावर से मिल रहा है। देख माना जाए तो यही होता है, आपने देखा होगा कि 3 किलोवाट की जो मोटर होती है, 3 HP की मोटर हमारी, तो 746 वाट होते हैं 1 HP में, तो लगभग 2208 वाट के आसपास 3 HP की हमारी मोटर हो जाती है। पावर हमने यहाँ पर लगभग दुगनी लगा रखी है 4 किलोवाट, तो इस केस में अगर 5%
सॉरी 50% यहाँ पे धूप है, तो उस केस में भी मोटर के लैग जो पावर है वो सोलर पैनल से जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे पानी इसको पूरा मिल रहा है। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि जहाँ पे 3 HP की पावर लगाई है या कम की भी लगाई है, 2700 वाट की पावर भी लोगों ने लगाई है 3 HP के सेटअप पे, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि इस समय आके धूप कम होगी है, पानी नहीं दे रहा है, तो वो पानी ऑटोमेटिक कम देगा। पहला रीजन तो ये हुआ कि आपने पावर कितनी लगाई है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि इस समय आके मौसम में क्या होता है कि धूल सी उड़ती रहती है मौसम में बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद क्या होता है कि हमारे जो सोलर पैनल हैं उनके जो सेल हैं उसमें क्या होता है, रात में ओस पड़ती है, दिन में धूल उड़ती है, रात में ओस पड़ती है। जैसे कि आजकल खेतों में बुवाई चल रही है, गेहूं वगैरह की जुताई चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं काम हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल पे बहुत सारी धूल जम जाती है। जब रात में ओस पड़ती है तो वही धूल जो है दोस्तों पानी के साथ मिल करके, ओस के साथ मिल करके उस पर एक परत बना लेती है। अब मान लीजिए आधे पैनल पे तो आपके डस्ट है और आधा पैनल आपका साफ है, तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी के सोलर पैनल यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी कि पोली हैं या मोनो हैं। तो दोस्तों दोनों ही के साथ ये है कि अगर एक हिस्सा भी उसका आप थोड़ा सा कवर कर देंगे तो पूरे पैनल की जो सीरीज है वो टूट जाती है और वो पावर जो है बहुत कम जनरेट करने लगता है। अब 7-8 पैनल आपने आपस में जोड़े हुए हैं, जब एक पैनल आपका डाउन हो गया, उसके बोल्ट डाउन हो गए या एम्पियर डाउन हो गए, तो उसका इफेक्ट दोस्तों पूरी सीरीज पर हमारा पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप उसकी क्लीनिंग करें, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पूरे पैनल पे पानी मार करके और कपड़े से अच्छी तरह से उसको साफ कर दें। अगर पैनल आपका चटका हुआ नहीं है तब, अगर चटका हुआ है तो उसे पानी से बिल्कुल साफ़ ना करें, उसे सूखे कपड़े से या हल्के नरम कपड़े से आप साफ़ करें, क्योंकि दोस्तों अगर पैनल चटका हुआ है, गिलास उसका चटका हुआ है, उसके ऊपर आपने देखा होगा धूल जम गई, ऊपर से ओस पड़ गया, पानी डाल दिया, तो उसकी सीरीज के अंदर वो धूल और पानी चला जाएगा, कुछ दिन वो चलेगा, उसके बाद वो ठप हो जाएगा क्योंकि उसमें कार्बन अंदर जम जाएगा। अब दोस्तों एक तीसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ जो क्या होता है कि सेटिंग गड़बड़ आ जाती है। मान लीजिए कोई तार निकल गया, फिर आपने अपनी मर्ज़ी से जोड़ दिया, या किसी ने आपकी BFD में सेटिंग ख़राब कर दी, या कुछ लोग खुद से उस्ताद बनते हैं तो सेट करना सोचते हैं तो उतना वो ठीक नहीं हो पाती जितनी, और वो बिगड़ जाती है। ऐसे केस हमने बहुत सारे देखे हैं, उस केस में ही पानी जो है आपका जो पंप है वो बहुत ज़्यादा कम निकालने लगता है। तो उस केस में क्या करें दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो जो टेक्नीशियन है या यूजर मैनुअल है उसको आप पढ़ें, नहीं समझ में आता जो टेक्नीशियन है उसको बुलाएं, या हमारी भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमको इस फील्ड की पूरी जानकारी है, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों ये देखना कि आपके सोलर पैनल पे किसी एक कोने पे भी छाया ना हो, प्रॉपर धूप पूरे आपके सिस्टम पर पड़नी चाहिए। जब प्रॉपर धूप आपकी पड़ेगी तो उस केस में क्या होगा कि सब सारे पैनल एक जैसा करंट निकालेंगे, और जब एक जैसा करंट सारे पैनल देंगे तो आपकी मोटर भी अच्छा काम करेगी। मान लीजिए किसी एक पैनल का एक कोना भी थोड़ा दबा रह गया, या धूप है, या उसमें कुछ कपड़ा या कुछ भी ये पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दोस्तों इस समय सबसे अच्छा मौका है सोलर पैनल लगवाने का, अगर आपको लगवाना है, नंबर हमने पिछली वीडियो में बताएं, इस वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमें वहाँ से कॉल कर सकते हैं, और अच्छा मौका है सोलर सस्ते में लगवाने का, तो आप लगवा सकते हैं। धन्यवाद।